हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्मृति डॉट डुगु ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आप लोग को सबसे पहले भैया दूज की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ मेरे ओर से। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे मनाएं, आप लोग के यहाँ कैसे मनाया जाता है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोग का कमेंट का वेट करती हूँ। और आप लोग के यहाँ क्या बनता है ये भैया दूज के, मतलब अवसर पे भैया दूज जिस दिन रहता है त्यौहार, उस दिन क्या आप लोग बनाते हैं घर में, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे यहाँ तो उस दिन ना जैसे कि चना दाल या मतलब ये मटर का जो भी है वो दाल का पराठा बनता है और खीर बनता है। तो आज मैं फ्रेंड्स आप लोग से क्या बताई, मैं वो सब नहीं बनाई हूँ। दाल का जो पराठा रहता था, क्योंकि जो दाल वाला पराठा ना मेरा बेटा नहीं खाता है, तो इसके चलते मैं देखिए आप लोग को मैं शुरू से दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए सब्जी है और मिक्स आलू पत्ता गोभी और मूली का मिक्स सब्जी मैं बनाई हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ना खीर के बदले में मैं सोची कि चलो मिठाई बनाना है, तो चलो सेवई मेरा बेटा खाता है। यहाँ देखिए सेवई सेवई में बनाई हूँ फ्रेंड्स, इसमें है और खीर भी खाता है, लेकिन क्या होता है मैं आलस से नहीं बनाई, मैं सोची कि चलो जल्दी से हो जाएगा। और इसमें मेरा है पूड़ी, पूड़ी बनाई हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ये सिंपल वाला बनाई हूँ। देखिए जो ये इसमें कुछ डाला हुआ नहीं है, मतलब इसी तरह से। और ये भी मैं बनाई हूँ पूड़ी सेवई और सब्जी। और आप लोग क्या क्या बनाए हैं, यही जैसे ना घर में रहते ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जरूर मतलब जो ये रहता है दाल वाला पराठा और खीर जरूर बनता, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये गोधन जो बोलते हैं, जब गोधन जिस दिन कुटाता है ना भैया दूज के दिन, तो वो जरूर बनता है। तो मैं यहाँ ये सब नहीं बनाई हूँ। और मेरा बेटा यहाँ खा पी के सो गया है, यहाँ देखिए कैसे। मच्छरदानी दिन रात लगा रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि पता नहीं यहाँ पर इतना मच्छर लगता है ना कि क्या बताए। और फ्रेंड्स, आप लोग को बताए मेरे यहाँ कैसे मनाया जाता है, जैसे कि ना उसमें रुके थोड़ा सा ठीक से बैठ जाते, उसके बाद आप उससे बात करते। वहाँ ना जैसे कि ये रहता है उस दिन ना नीचे जौरा भौरा की क्या बोलते हैं, हाँ वही गोबर से नीचे ज़मीन पे बनाया जाता है। और उस दिन ना ये पूरा जो डंडा 4-5-6 डंडा करके एक ही में बांधा जाएगा, उसको रस्सी से बढ़िया मजबूत, और उसमें जितना 5 को 6 को जितना है सब लड़की लोग, ये लेडीज लोग सारी औरतें मतलब सबको मिल के गीत उत गाता है, और जो गोधन का और ये उस मतलब कुटाता है। और नीचे उसमें ना क्या क्या रहता है, चना, गोबर में चना रहता है, और उसमें फिर सिंदूर उंदूर से सब पूजा किया जाता है, फूल उल रहता है। और आप लोग बोलिएगा कि भाई मतलब कैसा अजीब सा ये है परंपरा, लेकिन जो पूर्वजों लोग से जो हो रहा है फ्रेंड्स, तो करना ही रहता है। तो उसमें ना जो मतलब रवैनी हम लोग बोलते हैं, जो उसमें कांटा रहता है पत्ता में, वो कांटा जीभ में ना हम लोग भोग भोग के उस शराबते हैं गोबर और चना रख के उसी पे, और उसमें हल्का सिंदूर रहेगा, और वही पर वही नीचे ना गोबर में रख कर वही लाठी से मतलब कुटाता है और गीत गवाता है। और ये क्या बोलते हैं, ऊंचा ना उसमें से हम लोग बीन बीन के और उसको अच्छी तरह से धोकर और भाई को हम लोग खिलाते हैं, कि मतलब भाई को लंबी आयु के लिए। और फ्रेंड्स, हम लोग में मतलब जी बहुत लोग बहुत जगह है, जैसे हमें यहाँ पे जहाँ पे मैं बाहर में रहती हूँ, वहाँ मेरे टीका उका भाई को बहन मतलब टीका लगाती है भाई को, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है झारखंड में, उधर मतलब गढ़वा पलामू तरफ, तो हमारे यहाँ इसी तरह से मनाया जाता है। और भोर में उस दिन ना दलिदर खिलाता है वो सूप, और ये मतलब हंसुआ रहेगा और वही ठुक 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 करके पूरा भोरे भोर,
और एक तरह से दो आदमी रहेगा, एक मतलब कोई लाइट दिखाएगा और एक वो ठुक ठुक करते रहेगा पूरा घर, मतलब जैसे एक घर में घुसे तो उसको ठुक ठुक करके उसको फिर बंद करेंगे, फिर दूसरा में घुसे तो उसको भी ठुक ठुक कर ले जाएंगे, और जो आदमी मतलब लाइट दिखा रहा है वो बंद करते जाएगा। तो क्या ऐसा है ना कि दलिदर को भगा रहे हैं। तो अब फ्रेंड जैसे पहले, अभी परंपरा अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अब के लोग क्या बोलते हैं ना कि हाँ लक्ष्मी जी को 2 दिन पहले बुलाए और उसके बाद 2 दिन के पहले ये ठुक ठुक करके भगा देंगे, तो इसके चलते ना नहीं मतलब अभी होता है, अभी धीरे धीरे छूटते जा रहा है। लेकिन मेरा ससुराल में, मायके में तो अब छूट ही गया, लेकिन मेरा ससुराल में चलता है। अच्छा, तो मायके में भी 1-2 साल बंद हो गया था, उसके बाद अब चल रहा है का, तो यह उतना अच्छे से याद नहीं है क्योंकि बहुत दिन हो गया वहाँ ना ये सब में रहते हुए। तो यही सब होता है फ्रेंड्स। और हम लोग फिर बाहर में वही मम्मी से, हम लोग सोईले रहते ना, मम्मी से पूरा काजल मोटा मोटा एकदम लगा देती, और उसको ना दलिदरा है काजल बोलते हैं, उसको नहाते समय जब हम, और बाल उल में तो धो के जरूरी रहता है नहाना, तो सुबह में ना खूब हम लोग साबुन लगा लगा के आँख को छोड़ा, मतलब कि काजल ना रहे, दलिदरा है काजल उसको बोलते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कि दलिदर को भगा दिए। यही सब है फ्रेंड्स। अब आप लोग के यहाँ कैसे मनाया जाता है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और क्या आप लोग के यहाँ खाना में बनता है? मेरे यहाँ तो आप लोग को जैसे मैं बताई कि दाल वाला पराठा और ये खीर, मतलब वही खीर पूड़ी बनता है, तो इसी के अवसर पर मैं भी यहाँ थोड़ा सा बना दी थी, और बहुत हाथ दर्द देने लगा फ्रेंड्स। और ये यही सब है, और आप लोग को क्या बताए यही सब, लेकिन थोड़ा ये सब फैमिली के साथ फ्रेंड्स अच्छा लगता है, अकेले बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। क्या बनाए, क्या खाए, क्या नहीं, देखिए दोपहर में भी लंच भी नहीं बनाए, वही सिर्फ नाश्ता जो मतलब वही बनाए, दोपहर में मतलब चावल नहीं बनाए, वही सब जो बनाए हुए हैं। और डोगो का भी बेचारा का ये हुआ है बहुत, मतलब खांसी सर्दी, तो कल तो दवा लाए हैं तो उससे बहुत कंट्रोल हो गया है, इसी के चलते उसको बॉयल पानी कर करके दे रहे हैं। ये भी ट्यूशन के इंतज़ार में है कि मैम कब आएगी, तो हम जबरदस्ती सुला दिए ही कि मैम शायद शाम में आएंगे तो हो सकता है, तो इसी के चलते सोया है फ्रेंड। तो चलिए आप लोग से फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग जरूर कमेंट करके फ्रेंड्स बताइएगा आप लोग क्या है, कैसे मनाया जाता है। मेरे यहाँ तो इसी तरह से मनाया जाता है।